जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेना में बड्डी सिस्टम और सहायक सिस्टम के बारे में जानकारी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर बड्डी क्या होता है, यह बड्डी भी क्या है, सहायक प्रथा जैसा यानी कि सहायक ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा एक बड्डी और एक सहायक में क्या अंतर होता है, दोनों में ऑथेंटिक क्या है और बड्डी या सहायक का क्या काम होता है, पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दो वर्ड यानी कि बड्डी और सहायक ये क्या होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक इनमें से क्या होता है, अब इनका काम क्या होता है, तीनों अलग अलग पॉइंट हैं, तीनों का निचोड़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेना में ऑथेंटिक क्या होता है। तो सेना में जो ऑथेंटिक वर्ड होता है वो होता है आपका बड़ी का। बड़ी यानी कि जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एज अ बेस्ट फ्रेंड यानी कि हमारा सबसे खास दोस्त। जो एक सेना की बनावट होती है, एक बटालियंस होती है, बटालियन की अलग अलग कंपनी होती है, कंपनी की अलग अलग प्लाटून्स होती हैं और प्लाटून्स में भी सेक्शन होते हैं यानी कि जितना डीप यानी कि जितना क्लोज आप किसी के जा सकते हैं। तो उनमें जो सबसे क्लोज जो सेक्शन होता है, जो सेक्शन में बड्डी पेयर बनते हैं यानी कि एक सेक्शन होती है तो उसके आपस में एक दूसरे के साथ में बड्डी पेयर बनाए जाते हैं। बड्डी पेयर का मतलब होता है आपका एक ऐसा फ्रेंड जिसको कि आप अपने सुख दुख पारिवारिक स्थिति के बारे में सब कुछ बताएं, यानी कि आप उस बड्डी के पास में आपकी सारी जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ रहते हो, आपके परिवार में कौन है या वर्तमान में अभी आपके घर की स्थिति कैसी है, सब ठीक चल रहा है, ऑल इज़ ओके अगर वगैरह, यानी कि जैसे आपका फ्रेंड होता है उसको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। तो उसी प्रकार जो सेना में बड्डी होता है उसका भी काम वही होता है कि एक दूसरे के सुख दुख सारी परेशानियों के बारे में एक दूसरे अवगत कराना ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए भविष्य में किसी भी प्रकार की। यानी कि आपने देखा होगा कि सेना में कई, जैसे आपने देखा होगा कुछ सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, तो अगर बड़ी सिस्टम होगा तो एक दूसरे को चाहे सुख में ही नहीं दुख में भी एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेंगे। जब प्रॉब्लम शेयर करेंगे तभी तो प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा, यानी कि जब तक हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं हो तो उसका समाधान कैसे निकालेंगे। तो इसलिए बड़ी बनाया जाता है ताकि आपस में एक दूसरे की सारी सुख दुख बातें एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें। ये तो पारिवारिक बातें होगी, ट्रेनिंग ग्राउंड में भी एक दूसरे की मदद कर सकें, यही नहीं जब कोऑर्डिनेशन सर्च के लिए जाते हैं, जब ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में जाते हैं, तो आपने देखा होगा इसी प्रकार बड़ी पीएस में जाते हैं। अगर एक बड़ी कैजुअलिटी हो जाता है तो दूसरा बड़ी उसको फर्स्ट एड देता है या कैसे करके भी उसको, अगर दुर्गम स्थिति में है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पर भी कैजुअलिटी हो जाता है तो कैसे उसको लेके आना है, ये एक बड़ीज का काम होता है। ये मतलब इसमें एक पूरी टीम होती है, उसमें आपके नर्सिंग असिस्टेंट बीएफएनए सारे होते हैं, लेकिन एक बड़ी का रोल बहुत अहम होता है। अब दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स सहायक। जैसे चांद में छोटे मोटे दाग हैं वैसे ही हमारी भारतीय सेना की इस खूबसूरती में ये भी एक प्रथा बहुत बड़ा दाग है। और चाहे हम कितने डायलॉग मार लें लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी सेना में सहायक सिस्टम है और जिसका कि हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि जिस प्रकार पुरानी कुरीतियाँ समाप्त हुई है उसी प्रकार सेना से ये सहायक प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, रविंदर भाई भी वीडियो बनाते हैं, रॉयल सोल्जर संदीप सर ने भी वीडियो बनाई है, आपस में हम लोग बातें भी करते रहते हैं। लेकिन बातें करने से क्या कर सकते हैं हम लोग, बस अपनी आवाज़ आगे उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप लोगों को बोल सकते हैं कि हमारे वीडियो भी शेयर करो, आप लोग भी वीडियो बनाओ, उससे हो सकता है कि शायद सरकार के कान में थोड़ा बहुत जुएं रेंग जाए, या हो सकता है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ऐसे पॉइंट्स कभी कभी काम कर जाते हैं। लेकिन इसका पूर्ण रूप से समाधान होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी बात आती है सेना में सहायक सिस्टम की तो ऊपर के जो आला अधिकारी होते हैं वो साफ पना कर देते हैं कि सेना में सहायक सिस्टम नहीं है, बड़ी सिस्टम है। वैसे बड़ी सिस्टम जो है ये पैरा एसएफ में मैंने बहुत अच्छा देखा है। पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में क्या होता है कि वहाँ एक ऑफिसर्स और एक जवान में डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, व्यवहार की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक अधिकारी कभी ये नहीं घमंड दिखाता कि मैं एक अधिकारी हूँ, और एक जवान कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे वो अधिकारी हैं मैं तो जवान हूँ। तो एक जो यानी लो और हाई वाली जो मेंटेलिटी होती है वहाँ ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ वो लोग एक टीम वर्क में रहते हैं, बहुत प्रेम प्यार होता है, और वही चीज़ सेना में आपको सफलता की ओर भी आगे ले जाती है। जब तक ये ऊंच नीच की भावना रहेगी तब तक सेना में जो ये चीज़ें हैं ना, तो
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आती ही रहेंगी, तो सेना से सहायक प्रथा भी खत्म होनी चाहिए। तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिक होता है बड्डी। बड्डी का मतलब होता है कि चाहे आपका ट्रेनिंग ग्राउंड का साथी, लड़ाई के मैदान का साथी, या आपके निजी जीवन का साथी, जिसको कि आप अपने सुख दुख की सारी चीज़ें बता सकते हैं। और बड्डी जो होता है फौज का ऑथेंटिक चीज़ है, यानी कि ऑथेंटिक वर्ड है, और बड़ी सिस्टम ही होता है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके लोगों ने सहायक बना दिया है। और सहायक प्रथा में मतलब लोग अपने फौजी चीज़ छोड़िए, एक अधिकारी अपना निजी काम भी करा रहे होते हैं। आपने कई सारे वीडियो देख लिए होंगे कि घर में भी काम करा जाता है, ये चीज़ गलत है। अब आप लोग बोलेंगे इसका समाधान क्या है, मैंने बता दिया इसका समाधान। तो कोशिश ये करो कि जिस बंदे को भेजा जाता है वही उसका समाधान है, क्योंकि अगर वो मना कर दे या वो बंदा अपनी आवाज़ कानूनन रूप से अगर आगे बढ़ाए, तो तब जाके उसमें एक्शन हो सकता है। बाकी ऐसे करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को ऊपर उठाएंगे, तब जाके सेना से ये जो सहायक सिस्टम है ये ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आपको सहायक सिस्टम और बड़ी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को, डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।